जनाब जुल्फकार मिर्जा साहब और कुछ और लोग। तो उजैर बलोच ने तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जुल्फकार मिर्जा ने भी बहुत सारे, क्योंकि उस वक्त होम मिनिस्टर ये थे सिंध के, और बहुत सारे काम जो हैं वो जुल्फकार मिर्जा साहब के जरिए अहकामात उजैर बलोच को जाते थे। तो आसिफ जरदारी साहब का जो आज का बयान आया है, एक तो ये बात है कि पसे पर्दा जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दिन से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आर्मी के साथ, स्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी सुलह हो जाए। वो जो ईंट से ईंट रेडी हैं, रेडी टू गो जिसे कहते हैं ना, वो हैं। लेकिन इशू ये है कि जरदारी साहब उसके बदले में कुछ गारंटीज मांगते थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स की, सऊदी अरब भी गए, अमेरिका भी वो हैं, कुछ गारंटीज मांगते हैं कि उनको कुछ नहीं कहा जाए। ये बयान जरदारी साहब का अमेरिका से आया है, तो फिर को गारंटी मिल गई उन्हें? मेरा ख्याल है कि अभी गारंटी मांग रहे हैं। अब गारंटी मिलती है नहीं मिलती ये तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जनरल राहील शरीफ साहब के बारे में एक चीज क्लियर है, जनरल राहील है, जनरल रिजवान जो मौजूदा फौजी क्यादत है, वो एक बात क्लियर है कि वो टेरर फ्री और करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं। उस पर फौज को भी पैगाम है और मियां नवाज शरीफ साहब को भी पैगाम है, क्योंकि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है जरदारी साहब को। जरदारी साहब की क्या डिमांड है कि एहतसाब खत्म हो, रेंजर जो कुछ कर रही है सिंध में वो ठीक बंद हो, इस तरह की चीजें देने के लिए कुछ नहीं है। तो जरदारी साहब ने अब फिर एक दफा वो विंडो खोला है जिसका जो पिंडी की तरफ खुलता है, और उन्होंने बयान दिया। लेकिन छोटी सी बात उसके बाद भट्टी साहब के पास, आज एक्सटेंशन की उन्होंने हमायत की है, लेकिन अब आप वाली बात, कियानी साहब को उन्होंने जब एक्सटेंशन दी थी तो फिर आज उस एक्सटेंशन के बारे में क्या कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब भी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा, जनाब एक्सटेंशन दी नहीं जाती वो लेते हैं। तो यही चीज है कि राहील शरीफ साहब ने जो एक उनको रुसवा करने का इनका प्लान था वो उन्होंने नाकाम बना दिया, एक्सटेंशन को उन्होंने वापस कर दिया, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। ये फिर वापस घसीट घसीट के लेके आते हैं उनको पॉलिटिक्स में, सियासत में, मीडिया में। और आज भट्टी साहब के पास चलते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि आज बाबा जी का जो इदारा था वो क्या कर रहा था। भट्टी साहब